सुपर चोर एपिसोड 11। तुम यहाँ मूर्खों की तरह क्यों खड़े हो? जल्दी से उसे पकड़ लो। उस बदमाश ने मेरी भंडारण अंगूठी चुरा ली है, डलस ने गुस्से में अपने अंगरक्षकों पर चिल्लाया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। डलस द्वारा उन्हें डांटने पर उन दोनों को गलत लगा। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि पहले इन दासों को मार डालो? वे ये चिल्लाना चाहते थे, लेकिन डलस की उग्रता देखकर उनकी हिम्मत नहीं हुई। वे तेजी से ऐस का पीछा करते हैं। डलस अपने गुस्से में उन सभी दर्शकों के बारे में भूल जाती है और इस बार अपने दोनों गार्डों के साथ अंदर चली जाती है। वह राज्य की राजकुमारी थी और उसने अपने जीवन में कभी इस तरह का अपमान नहीं सहा। वह हमेशा एक अलग परलोकवासी प्राणी की तरह व्यवहार करती है और यहाँ इस बंजर भूमि में हर कोई उसे श्रद्धा और पूजा की दृष्टि से देखता है। यहाँ तक कि उसके घर में भी कोई उसकी मौजूदगी में ऊंची आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब एक छोटा चोर उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है और यहाँ तक कि उससे लड़ने की हिम्मत भी करता है। इसके अलावा वह उसकी नाक के ठीक नीचे उसकी भंडारण अंगूठी चुरा लेता है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि एस उसे मारे बिना स्टोरेज रिंग के अंदर अपनी चीजें नहीं खोल सकती या ले जा सकती है, या वह अपनी मर्जी से रिंग पर अपना एनर्जी मार्क हटा देती है, तो डल्स निश्चित रूप से अपना दिमाग खो देती क्रोध से, क्योंकि उस अंगूठी के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण और कीमती चीजें थीं और यहां तक कि जिस चीज के लिए वह यहां आई थी वह भी अंदर ही थी। इसीलिए वह जल्द से जल्द अपनी भंडारण अंगूठी वापस लाने के लिए खुद ही अंदर जा रही थी। अब वह उससे और अधिक पूछताछ नहीं करना चाहती थी। वह तो बस इतना चाहती थी कि उसे अत्यंत दर्दनाक तरीके से मार डाले और अपना अपमान धोकर उसके दिल में जल रही नफरत को शांत कर दे। ऐसे समय पहली मंजिल के कमरे के अंदर था। वह अपने हाथ में भूरे रंग की स्टोरेज रिंग को देख रहा था। उसकी आंखें चमक उठी। शुरू से ही उनका यही लक्ष्य था। यदि वह 5 मिनट में डलसे को मारने में विफल रहा तो वह उसकी भंडारण अंगूठी ही ले लेगा और भाग जाएगा। वह उससे इतनी विचलित हो गई थी कि डलसे को इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि जब वह उसके कौशल के बारे में सोच रही थी तो उसकी अंगूठी उससे छीन ली गई थी। 9वां स्वर्गीय द्वार खोलने के बाद उसकी आत्मा के सूत्र भी अधिक गुप्त और शक्तिशाली हो गए हैं। यहां तक कि वह अपनी स्वनिर्मित कौशल की दक्षता से चकित और आश्चर्यचकित थे। मेरे पास समय नहीं था कि वह जल्द ही अपनी गुम हुई स्टोरेज रिंग को नोटिस करेगी। मुझे जल्दी से उस फॉर्मेशन प्लेट को ढूंढना होगा और इस बाधा से छुटकारा पाना होगा। वह अपनी सांसों में बड़बड़ाता है। एस स्टोरेज रिंग के अंदर फॉर्मेशन प्लेट की खोज करने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ ऐसा याद आया जिसे वह तात्कालिकता के क्षण में लगभग भूल जाता है। मैं उसे मारे बिना इसे नहीं खोल सकता, बकवास, उसने अपने मन में शाप दिया, क्योंकि आखिरकार उसे भंडारण था न के खजाने के बारे में सिस्टम के शब्द याद आ गए। इससे पहले कि वह अपनी बुरी किस्मत को कोसता, उसके मन में एक ठंडी आवाज सुनाई दी। पिकपॉकेट सफल, होस्ट चोरी, एक उच्च स्तरीय निम्न लेवल का भंडारण था, न खजाना चौथा, नश्वर स्तर रूंस 21 मध्य स्तर निम्न लेवल भंडारण था, न खजाना तीसरा नश्वर स्तर रूंस 41 निम्न लेवल भंडारण था, न खजाना दूसरा नश्वर स्तर रूंस 5 निम्नतम लेवल का भंडारण था, न खजाना प्रथम नश्वर स्तर रूंस 1 ग्रेड 1 1000 ईयर्स ब्लड रोज 9 स्टार या गोल्डन रैंक से ऊपर 40009 निम्नतम लेवल की गोलियां श्वेत रैंक वाली गोलियां 10092 निम्न लेवल की गोलियां ग्रीन रैंक वाली गोलियां 5932 मध्यम स्तर निम्न लेवल की गोलियां नीली रैंक वाली गोलियां 1021 उच्च स्तरीय निम्न लेवल की गोलियां एजोर रैंक वाली गोलियां 8 निम्न स्तर मध्यम लेवल की गोलियां बैंगनी रैंक वाली गोलियां 7653 मध्य स्तर निम्न लेवल का हथियार 3 सितारे 34 उच्च स्तरीय निम्न ग्रेड हथियार 4 सितारे तकनीक और कौशल निम्नतम स्तर नश्वर स्तर 21 तकनीकें 184 कौशल तकनीक और कौशल निम्न स्तर चिंता स्तर 9 तकनीक 48 कौशल तकनीक और कौशल मध्य निम्न स्तर मास्टर स्तर 1 तकनीक रूबी सिक्के 140.4 मिलियन एनर्जी स्टोन्स ट्रैश ग्रेड निम्न स्तर 12 मिलियन एनर्जी स्टोन्स निम्नतम ग्रेड मध्य स्तर 998,000 एनर्जी स्टोन निम्न ग्रेड उच्च स्तर 50-22 गठन प्लेट निम्नतम स्तर प्रथम नश्वर रैंक वाले रून 1 गुलाम अनुबंध 172 औषधीय जड़ी बूटियां और धातु अयस्क 20,093 जड़ी बूटियां 1546 धातु अयस्क इनाम 10,890 चोर अंक 10,960। एस फिलहाल सिस्टम के पैनल को अचंभित होकर देख रहा था। जैसे ही उसने पढ़ा उसकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि सिस्टम टूट गया है और गलत संख्याएं और शब्द दिखा रहा है। लेकिन उसने अलग अलग तरीकों से कितनी भी जांच की, नंबर वही रहे। मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, वह लगभग जोर से चिल्लाया। वह लोमड़ी बहुत अमीर है, एस ने चकित होकर कहा। आखिरकार उसे राज्य की राजकुमारी की संपत्ति का एहसास हो गया। लेकिन अब ये सभी चीजें मेरी हैं। मेरे यहाँ से भागने के बाद आप निश्चित रूप से गुस्से से खून के आंसू बहा देंगी, लेकिन अफसोस की बात है कि मैं उस समय आपका बदसूरत मुख खुद नहीं देख पाऊंगी।
दलसे के गुस्से वाले चेहरे के बारे में सोचकर एस बुरी तरह हंसता है। दलसे की अंगूठी के अंदर वे सभी भंडारण अंगूठियां उसे कान से कान तक मुस्कुराने के लिए पर्याप्त थीं, क्योंकि इतने सारे स्टोरेज रिंग्स के साथ वह अपने थीफ स्टोरेज स्पेस को अपग्रेड कर सकता है। वह अब उन सभी गोलियों को EXP में भी परिवर्तित कर सकता है, और यदि वह चाहे तो उन सभी गोलियों के साथ अब अपनी नींव भी स्थापित कर सकता है। लेकिन जब उन्हें इससे जुड़े जोखिम के बारे में याद आया तो उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। सिस्टम की बर्फीली आवाज उसे उसके मीठे सपने से जगा देती है। उन्होंने देखा कि पारदर्शी काले मुख्य पैनल के ऊपर कई भूरे रंग के पेंटागन थे। प्रत्येक पंचकोण को एक अलग चांदी के रून प्रतीक के साथ उकेरा गया था, लेकिन उनमें से सभी भूरे नहीं थे। उनमें से पांच अपने चारों ओर सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे और उन पर प्रतीक चांदी के बिंदुओं से चमक रहे थे। प्रतीकों के ये पांच पंचकोण थे स्थिति पैनल, मिशन पैनल, अधिसूचना पैनल, सिस्टम शॉप और चोर का स्था। न प्रत्येक के पास एक अलग प्रकार का रून प्रतीक था जो उनका प्रतिनिधित्व करता था। जब भी एस ने सिस्टम के किसी प्रकार के नए फंक्शन को खोला, उसी फंक्शन का प्रतिनिधित्व करने वाले रून प्रतीक वाले पेंटागन उनके गृह राज्य से उनके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी के साथ चमकने लगते हैं। इसके बाद ऐसे एक विचार मात्र से उस फंक्शन को आसानी से खोल या देख सकता है। अभी सिक्का जैसा दिखने वाला एक चिन्ह नीली रोशनी से चमक रहा था। ये थीफ स्पेस का प्रतीक था। एस हमेशा की तरह एक विचार के साथ पैनल खोलता है। चोर का स्था, न सिस्टम चोर के स्था, न को उन्नत करने के लिए पर्याप्त भंडारण स्था, न के खजाने का पता लगाता है। अपग्रेड मेनू, भंडारण स्था, न खजाने 68,000 TP के साथ दो भंडारण स्था, न खजाने 40 घन मीटर अतिरिक्त निर्जीव चोर का स्था, न भंडारण स्था, न खजाना निम्न से उच्च स्तरीय निम्न ग्रेड 63,500 TP के साथ लो ग्रेड के 10 स्टोरेज स्पेस खजाने थीफ स्पेस और 100 क्यूबिक मीटर स्पेस के लिविंग बीन फंक्शन को अनलॉक किया गया। चेतावनी, यदि होस्ट ने चोर के स्था न के लिविंग स्टॉट स्टोरेज फंक्शन को अनलॉक कर दिया है तो सिस्टम द्वारा नॉन लिविंग स्टॉट फंक्शन को हटा दिया जाएगा। उसने चोर पैनल को देखा जिसमें चोर के स्था न के अंदर उसकी चीजों के बारे में सारी जानकारी थी। उन्होंने देखा कि पैनल में एक नया अपग्रेडिंग फंक्शन जोड़ा गया है और यह सब पढ़ा। एस को यह तय करने में कठिनाई हो रही थी कि नए फंक्शन को पढ़ने के बाद क्या करना है और यह कैसे काम करेगा। वह इस स्टोरेज रिंग को जल्द से जल्द खोलना चाहता था और केवल अन्य निम्न लेवल के स्टोरेज रिंगों को अपने चोरों के स्था न में परिवर्तित करके ही वह ऐसा कर पाएगा। वह दुविधा में था। अगर उसने केवल 1,000 TP खर्च करने का फैसला किया तो सिस्टम अंदर से केवल उन कचरा भंडारण रिंग निम्नतम ग्रेड को लेगा और ऐसा करने पर सिस्टम को इस रिंग को खोलना होगा। उसके बाद वह रिंग के साथ जो चाहे कर सकता है और 4,000 TP भी बचा सकता है। एस चुपचाप इसके फायदे और नुकसान पर विचार करता है और अंततः एक निर्णय पर पहुंचता है। सिस्टम लिविंग बीइंग स्टोरेज फंक्शन खोलता है। चोर अंक 5,960। उन्होंने देखा कि उनका टीपी आधा हो गया है, लेकिन लिविंग बीइंग स्टोरेज फंक्शन के फायदों के बारे में सोचने के बाद उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। फंक्शन सक्रिय कर दिया गया है। 90 घन मीटर भी जोड़ा गया है। थीफ स्पेस को लिविंग थीफ स्पेस में अपग्रेड कर दिया गया है। अब होस्ट सीमित जीवित प्राणी और किसी भी निर्जीव प्राणी को तब तक स्टोर कर सकता है जब तक कि जगह काफी बड़ी हो। चेतावनी, होस्ट द्वारा अपने वर्तमान अधिकार स्तर के साथ प्राप्त भंडारण स्था न कि अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद पुरानी अपग्रेडिंग योजनाएं हटा दी गई हैं। होस्ट द्वारा अपने अधिकार को उन्नत करने के बाद नई उन्नयन योजनाएं उपलब्ध होंगी। एस ने देखा कि सिक्का जैसा दिखने वाला प्रतीक बीच में खाली नहीं था, लेकिन सिक्के के बीच में एक अजीब प्राणी प्रकार का रून दिखाई दिया। उसका अनुमान है कि यह किसी जीवित प्राणी का प्रतीक था, इसलिए उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वह इस बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता था कि वह अपने अधिकार को कैसे उन्नत कर पाएगा, लेकिन याद रखें कि वह अभी भी दुश्मन के घोंसले के अंदर था। अब रिंग उसकी एनर्जी को अवरुद्ध नहीं करती है क्योंकि डलसे का एनर्जी मार्क सिस्टम द्वारा मिटा दिया गया है। उसके पास अपने नए भंडारण था न कि जांच करने का भी समय नहीं था। एक विचार के साथ एस ने रिंग के अंदर बड़ी जगह देखी और यह स्पष्ट रूप से उसके पुराने चोर की जगह से बहुत बड़ी थी। उसने तुरंत एक सफेद पत्थर की प्लेट देखी जिस पर कई रून चिन्ह चमक रहे थे। वह तुरंत अनुमान लगाता है कि यह क्या था और तुरंत उसे स्टोरेज रिंग से बाहर निकाल लेता है। वह रिंग और सफेद फॉर्मेशन प्लेट को अपने चोर के स्था न के अंदर रखता है और जल्दी से ईवा को लाने के लिए निकल जाओ। डलस बेसब्री से एस की तलाश कर रही थी कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर के पीछे एक बड़ा हथौड़ा मार दिया हो। वह तुरंत फर्श पर गिर पड़ी। उसने जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन दर्द बहुत तेज था। खून का एक ढेर उगल दिया। उन्हें खून की उल्टियां करते देख उनके अंगरक्षक घबरा गए। उन्होंने सोचा कि एस ने उस पर चुपके से हमला किया है और जल्दी से एनर्जी को प्रकट करना शुरू कर दिया है और अपने जीवन से उसकी रक्षा करने के लिए तैयार है। कुछ समय बाद दर्द कम होने लगता है और अंततः दलसे को होश आ जाता है।
जो कुछ हुआ उसके बाद उसका चेहरा मुरझा गया। वह ठीक ठीक जानती है कि यह तात्कालिक दर्द कहाँ से आया है। दलसे के मंदिर से एक नस निकली थी, उस चोर ने किसी तरह स्टोरेज रिंग से मेरा एनर्जी मार्क मिटा दिया है। बाल्दी के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी और वह बुदबुदाते हुए बोला, यह असंभव है, वह ऐसा नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता। दलसे ने अपने जबड़ों को इतनी कसकर भींच लिया था कि उसके मसूड़ों पर चोट लगने का खतरा था। जैसे ही उसने उसे जोर से डांटा, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? यहाँ तक कि मुझे भी यह समझ में नहीं आ रहा है कि मालिक को मारे बिना कोई चार सितारा भंडारण खजाने से एनर्जी मार्क कैसे मिटा सकता है। क्या वह किसी प्राचीन संप्रदाय से है? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। यदि वह वास्तव में एक प्राचीन संप्रदाय से होता तो उसे कभी भी इन सभी नीच शहरों और उससे चोरी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि प्राचीन संप्रदाय के शिष्य की संपत्ति प्रथम लेवल के साम्राज्य से भी प्रतिस्पर्धा कर सकती है। उन्हें चोरी करने की आवश्यकता नहीं थी, वे सभी अत्यंत अहंकारी और अभिमानी प्राणी थे। यहाँ तक कि वे अपने नीचे की निचली भूमियों में आना चोरी करना भी कम मानते हैं। उस चोर के पास जरूर कोई अद्भुत चीज होगी जो भंडारण था न के खजाने को भी खोल सकता है। मुझे इसे लेना ही होगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, डलस ने गंभीरता से सोचा, लेकिन उसकी आंखों में तीव्र लालच था। अगर आप उसे अंत तक लड़ते हुए देखते हैं तो अलग से खोजें, मदद आने तक जितना हो सके उतना समय लें। अगर किसी ने भागने की हिम्मत की तो मैं खुद उस व्यक्ति को सबसे क्रूर तरीके से मार डालूंगा। उसने अपना आदेश दिया और पागलों की तरह खोजना शुरू कर दिया। उसके एनर्जी मार्क को स्टोरेज रिंग से जबरदस्ती मिटा दिए जाने के बाद दिल से कमजोर स्थिति में थी, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। उसके दिमाग में एस का रहस्यमय रहस्य था। पांचवीं मंजिल पर जिस कमरे में ईवा छुपी हुई थी, एस को गए 15 मिनट हो गए हैं और वह उसके बारे में चिंतित थी, लेकिन वह उसकी तलाश में नहीं जा सकती क्योंकि वह भी जानती है कि वह केवल उसके रास्ते में आएगी, इसलिए वह उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अचानक उसे बाहर कुछ शोर सुनाई देता है, लेकिन वह खिड़की की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अगर उस पर नजर पड़ गई तो क्या होगा? वह मजबूत थी, लेकिन वह इसके बिना एनर्जी फाउंडेशन बिल्डिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों से लड़ नहीं सकती थी या बच नहीं सकती थी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है और ईवा अपने विचारों से बाहर निकल जाती है। वह अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ती है और जरूरत पड़ने पर युद्ध के लिए तैयार रहती है। ईवा, कमरे में फुसफुसाहट की आवाज आई। आवाज चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, वह कभी नहीं भूलती कि यह आवाज किसकी है। वह तुरंत अपना छिपने का स्था न छोड़ देती है और आवाज के मालिक की ओर दौड़ती है। एस सतर्कता से कमरे के चारों ओर देख रहा था कि क्या ईवा अभी भी यहाँ है या उसने छिपने का स्था न बदल लिया है। यदि वह दूसरा मामला था तो उसने पूरी मंजिल या शायद पूरी इमारत की तलाशी ली है। इससे पहले कि वह उसे खोजने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग कर पाता, एक छाया कमरे से निकलती है और उसकी ओर बढ़ती है। वह खुद को उसके आलिंगन में फेंक देती है। वह चकमा दे सकता था, लेकिन अपनी आत्मा पर हस्ताक्षर करने की क्षमता से वह जानता था कि यह कौन है, इसलिए वह चकमा नहीं दिया। एस ने ईवा के कोमल शरीर और उसकी गर्माहट को महसूस किया। हवा बदल गई थी और उसकी खुशबू से भर गई थी, ये ताजे गुलाबों की तरह थी। एस के पास इस सब का आनंद लेने का समय नहीं था, क्योंकि ईवा अपनी खूबसूरत आंखों में आंसू भरकर उसे धीरे से देख रही थी। तुम मुझे बहुत चिंतित करते हो, ईवा से धीरे से शिकायत करो। नकली चेहरे के साथ भी वह बेहद क्यूट लग रही थी। इस स्थिति में भी उसे अभिनय करते देख एस असहाय होकर मुस्कुराया, लेकिन उसे अंदर से गर्मी महसूस हुई और उसने उसे पकड़ते हुए कहा, मैं ठीक हूँ और मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता भी मिल गया है। सच में, चलो फिर, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, उसने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वह उसके आलिंगन का आनंद ले रही थी, एस ने असहायता से अपना सिर हिलाया और उस पर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें इस बार कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ईवा उसकी बात सुनकर भ्रमित हो गई और पूछने ही वाली थी कि इन शब्दों से उसका क्या मतलब है। जब उसने एस एनर्जी को अपने हाथ पर महसूस किया और उसके बाद उसे जो आखिरी चीज याद आई, वह थी अंधेरा। एस ने उसे अपने चोर्स था न के अंदर डाल दिया है। यही मुख्य कारण था कि उसने इस फंक्शन को अनलॉक करने का निर्णय लिया, ताकि वह ईवा को सुरक्षित रूप से अंदर रख सके और जब वह यहाँ से भागे तो उसे किसी भी खतरे का सामना न करना पड़े। लेकिन इस चोर के स्था न कि अपनी सीमाएं हैं और वह केवल एक जीवित मानवीय शुरुआत ही अंदर रख सकता है। यदि वह दूसरा लगाना चाहता है तो उसे चोर के स्था न को 1000 घन मीटर तक उन्नत करना होगा। वह इसे सिस्टम से सीखता है। जब उसने पूछा कि क्या वह ईवा और मैथिस दोनों को बिना किसी समस्या के अंदर रख सकता है, इस बारे में जानने के बाद उसने मैथिस के बजाय ईवा को चुना, क्योंकि उसे अभी भी मैथिस पर भरोसा नहीं था। वह अभी भी अपने माता पिता के बारे में उसे कुछ छिपा रहा था और यही कारण है कि वह खुद पर सक्षम रूप से भरोसा नहीं कर सका।
मैं तीज ईवा की तरह नहीं थी जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी और सब कुछ बता देती थी। वह उसकी पहली दोस्त थी और इस तरह की स्थिति में उसके साथ खतरे का सामना करना चाहती थी, यहाँ तक कि इसका मतलब मौत भी हो सकती थी। इसलिए एस उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था क्योंकि वह मैथीज की सराहना करता था। ईवा को अपने चोर्स था न में डालने के बाद वह मैथीज को खोजने के लिए तीसरी बार की ओर बढ़ता है। समय बेहद तंग था। वह नहीं चाहता था कि डल्से को पता चले कि उसके पास पहले से ही उसकी स्टोरेज रिम को खोलने और बिना ध्यान दिए यहाँ से भागने का तरीका है। उसे कम ही पता था कि वह इसके बारे में पहले से ही जानती है क्योंकि भंडारण के छल्ले अद्वितीय नश्वर स्तर के अंतरिक्ष रूंस गठन द्वारा बनाए गए थे और यदि आप मालिक के साथ जबरदस्ती संबंध स्थापित करते हैं तो मालिक को यह बिल्कुल डल्से की तरह महसूस होगा। राइलिन को इसके बारे में पता नहीं चला क्योंकि उसकी स्टोरेज रिंग एक नौसिखिया रून शिल्पकार द्वारा केवल 5 रून प्रतीकों के साथ बनाई गई थी जो अभी भी रून प्रतीकों के बारे में सीख रहा था और वह भंडारण रिंग सबसे कम गुणवत्ता वाली थी। लेकिन डल्से की अंगूठी उच्चतम लेवल की भंडारण अंगूठी थी जिसे आप कभी भी राज्यों की भूमि में पा सकते थे और इसे चौथी रैंक के नश्वर रून क्राफ्टर द्वारा बनाया गया था। साम्राज्य और साम्राज्यों की 3 श्रेणियां होती हैं। प्रथम ग्रेड यह उच्चतम है और तीसरा निम्नतम है। आप रून शिल्पकारों को केवल द्वितीय लेवल साम्राज्य या उच्चतर में ही पा सकते हैं। रून क्रिएटर्स में 9 मॉडल रैंक हैं। केवल शीर्ष 5 प्रथम लेवल के राज्यों में ही रैंक 4 मॉडल रून क्राफ्टर्स हैं और उनमें से हर एक ने राष्ट्र को एक खजाना माना। एस को इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि लैंड ऑफ सिटीज के पास इस जानकारी को जनता के सामने प्रकट करने की अनुमति नहीं थी। केवल न्यू मून सिटी जैसे शहरों के सिटी लॉर्ड्स जो एक देश के रैंक तक पहुंचने वाले थे उन्हें इसके बारे में जानने का अधिकार है। मैथीज अभी भी खोजने का नाटक कर रही थी। वह एक खाली कमरे में प्रवेश करता है जब उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो वह एस और स्माइल था। क्या आप सफल हुए? वह बता सकता था कि डल्से सराय के अंदर था और गार्डों का शोर सुनकर इस ओर जा रहा था। चलो, हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। एस कमरे में प्रवेश करता है और सीधे खिड़की की ओर जाता है और मैथीज की ओर देखे बिना उसमें से कूद जाता है। मैथीज ने देर नहीं की और खुशी से एस के आदेश का पालन किया और उसके पीछे कूद पड़े। बाहर खुला था और कोई भी उस क्षेत्र की रखवाली नहीं कर रहा था क्योंकि डल्स ने हर एक व्यक्ति को एस को घबराहट में खोजने का आदेश दिया है बिना ये सोचे कि वह पहले की तरह बाहर से भाग जाएगा। एस ने उज्ज्वल अवरोध को देखा और अपने चोर के स्था न से फॉर्मेशन प्लेट को बाहर निकाला। रहस्यमय प्रतीकों वाली एक संरचना प्लेट देखकर मैथीज आश्चर्यचकित रह गए। एस द्वारा अपनी एनर्जी को प्लेट में डालने के बाद वह चमकने लगती है और एस ने महसूस किया कि इस संरचना का उपयोग कैसे किया जाए। इसके बारे में जानकारी उसके दिमाग में आने लगी है। ये सिस्टम का काम था। उन्होंने पहली बार इस प्रकार की संरचना देखी और वह सारी जानकारी देखकर आश्चर्यचकित हो गए। ये संरचना एनर्जी नदी क्षेत्र विशेषज्ञ को भी 1 घंटे के लिए फंसा सकती है, उसने उत्साहपूर्वक सोचा और अंततः संरचनाओं के चमत्कार को जान गया। फॉर्मेशन प्लेट एस के हाथ में मंडराने लगती है और अचानक विशाल अवरोध प्लेट के अंदर समा जाता है और भारी बारिश शुरू होने पर आसमान फिर से बादल छा जाता है। एस और मैथीज वहां नहीं रुके और तेजी से शहर के गेट की दिशा में भाग निकले। डल्स अभी इमारत की तीसरी मंजिल पर पहुंची ही थी कि उसने देखा कि बाहर बारिश शुरू हो गई है। अभी जो हुआ उसके बारे में सोचकर उसका माथा और भी सिकुड़ने लगा। एच वह बच गया। डल्से हतप्रभ होकर बुदबुदाया। डल्से की उग्रता इतनी तीव्र थी कि वह बेहोश हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। वह एक छोटे चोर से हार गई है। तुम्हारे साथ मेरा काम खत्म नहीं हुआ, दुष्ट चोर। वह खून की उल्टी करती है और दहाड़ मारकर गुस्से से बेहोश हो जाती है। उसकी पीड़ा भरी चीख पूरी सराय को झकझोर देती है। ये घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा कलंक बनने वाली है। डल्स ने अपनी उनींदी आंखें हल्के से खोली और एक खूबसूरत छत देखी। पहले तो उसे मुलायम बिस्तर पर बेहद आरामदायक और गर्माहट महसूस हुई और वह अनजाने में मुस्कुराने लगी, लेकिन अगले ही पल वह मुस्कुराहट गायब हो गई और उसकी जगह हिंसक क्रोध ने ले ली। मैं कहाँ हूँ? वह जोर से चिल्लाती है और झट से खड़ी हो जाती है। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था और गुस्से में उसका खून बहने लगा था। वह दुष्ट चोर मेरे हाथ से बच जाता है और उसके पास वह पौराणिक जड़ी बूटी भी है जो पिता और दूसरे चाचा को चाहिए। जब वह अपने पिता के बारे में सोचती है तो उसका चेहरा भूत की तरह सफेद हो जाता है। इस बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह ब्लड रोज की कटाई के लिए लाल पहाड़ी शहर में थी। उसके पिता राजा केवल ये जानते थे कि यह स्वर्ण लेवल की औषधीय जड़ी बूटी से ऊपर एक पौराणिक औषधीय जड़ी बूटी थी और इसे ब्लड रोज कहा जाता था। वे इसके चिकित्सीय प्रभाव को नहीं जानते थे क्योंकि यह उनके चाचा ही थे जिन्होंने सबसे पहले उन्हें इसके बारे में खोजा और बताया था। गोल्डन हैमर्ड किंगडम को शुद्ध भाग्य से 100 साल पहले यह ब्लड रोज मिला था। उस समय रेड माउंटेन सिटी का नाम केवल माउंटेन सिटी था और यह केवल 3 सितारा शहर था।
चूंकि पहाड़ लाल नहीं था इसलिए ये सामान्य था। 100 साल पहले एक ही रात में लाल हो गया था पहाड़। इसके लाल होने के बाद काफी हंगामा हुआ और अफवाहें सभी शहरों में फैलनी शुरू हो गईं। अफवाहें एक स्टार शहरों तक भी पहुंच गईं, जैसे किसी ने पूरे शहर का कत्लेआम कर दिया हो और पहाड़ को खून से लाल कर दिया हो, या फिर यहाँ कोई दुर्लभ प्राकृतिक खजाना उग रहा था। यहाँ तक कि उस समय के शहर के स्वामी भी लाल रंग की इस अचानक घटना से चिंतित थे। यहाँ तक कि उन्हें लगता था कि यहाँ किसी प्रकार का खजाना था और यह एक 3 सितारा शहर के लिए एक आपदा थी, क्योंकि यदि वास्तव में यहाँ कोई प्राकृतिक खजाना होता तो उसके अस्तित्व को गुप्त रखने के लिए उसके शहर को नष्ट कर दिया जाता। लेकिन कितना भी खोजने पर किसी को कुछ नहीं मिलता। हर कोई सोचता है कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए उन्होंने हार मान ली। नगर स्वामी ने भी राहत की सांस ली है। गोल्डन हैमर साम्राज्य आखिरकार मध्य स्तरीय भूमि के शीर्ष 10 राज्यों में से एक था और इसका क्षेत्र काफी विशाल था, इसलिए उन्होंने इस बंजर जगह पर कोई ध्यान नहीं दिया। पहाड़ी शहर जैसे 3 सितारा शहर की बात तो दूर, लेकिन फिर सुनहरे हथौड़े वाले साम्राज्य का दूसरा राजकुमार, जो राज्य का ब्लू ब्रेड एल्केमिस्ट था, को भूमि के चारों ओर यात्रा करना और प्राचीन खंडहरों का पता लगाना पसंद था। प्राचीन खंडहरों में से एक से उसे एक पुराना लाल स्क्रॉल मिला। स्क्रॉल एक शक्तिशाली राक्षसी जानवर की खाल से बनाया गया था और ये शैतानों के बारे में प्राचीन लेखन में था। शैतानों की भाषा यहाँ आम नहीं थी, लेकिन कुछ लोग अब भी इसे सीखते हैं, क्योंकि एक समय शैतानों ने अज़्योर पवन महाद्वीप पर शासन किया था। लेकिन इंसानों के बीच से ही एक नायक उभरता है और वह पूरी मानव जाति को एकजुट कर देता है। वह मानव जाति के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। वह एक खूनी युद्ध के बाद शैतानों से पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लेता है। कम से कम कहानी तो यही थी। मानव जाति द्वारा इस महाद्वीप पर दावा करने के बाद कई प्राचीन अभिलेख, रून और गुप्त क्षेत्र थे जिन्हें शैतान पीछे छोड़ गए थे, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना असंभव नहीं था जो शैतानी भाषा में पारंगत हो। प्राचीन लेखन का अनुवाद करने के बाद दूसरे राजकुमार को एक अत्यंत दुर्लभ पौराणिक औषधि जड़ी बूटी बनाने की प्रक्रिया के बारे में पता चलता है। इसका जन्म हजारों वर्षों के बाद एक विशेष प्रकार की मिट्टी पर हो सकता है, जो लाखों निर्दोष लोगों के खून से रंगी हुई थी, जिसे ब्लड रोज कहा जाता है। रक्त विशेष मिट्टी में डूबकर केवल एक ब्लड रोज को जन्म देता है और परिपक्व होता है। ये कभी भी दूसरे को जन्म देने में सक्षम नहीं होगा। यह अफसोस की बात थी कि वह केवल जड़ी बूटी बनाने का तरीका और उसका नाम ही खोज पाए। उस प्राचीन लेखन में इसके उपयोग के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी गई। वह केवल इतना जानता है कि यह औषधीय जड़ी बूटी स्वर्ण लेवल से ऊपर थी और इसे पौराणिक जड़ी बूटी कहा जाता था। जब सुनहरे हथौड़े वाले साम्राज्य के दूसरे राजकुमार को ब्लड रोज के बारे में पता चलता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचता है कि उन सभी शर्तों को पूरा करना दिन असंभव है। केवल विशेष मिट्टी ढूंढना एक मूर्ख का सपना था। यही वह समय था जब लाल पहाड़ के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। अफवाहें दूसरे राजकुमार के कानों तक पहुंच गईं, क्योंकि उसे यात्रा करना बहुत पसंद है। उन्होंने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक रात अचानक याद आया कि प्राचीन पुस्तक में जन्म के बाद ब्लड रोज लिखा था। ये गहरे भूमिगत में छिप जाता था और लाल मिट्टी भी इसे परिपक्व करने के लिए भूमिगत में समा जाती थी। जब इसके परिपक्व होने का समय आएगा तभी यह भूमिगत से निकलना शुरू होगा और उसके 100 साल बाद खिलेगा। लाल मिट्टी सतह पर आने लगती है और अपने आसपास की भूमि को भी लाल रंग में रंग देती है। ये ब्लड रोज के खिलने के लक्षण थे। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया वह तुरंत सीधे अपने पहले भाई के पास गया, जो अब राज्य का वर्तमान राजा था। उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे और मामला इतना बड़ा था कि उसे अकेले संभालना मुश्किल था। दूसरा राजकुमार प्राचीन स्क्रॉल और पहाड़ी शहर की अफवाहों के बारे में सब कुछ बताता है। पहला राजकुमार मूर्ख नहीं था और वह भी अपने दूसरे भाई के साथ उसी स्थिति में आया। उन्होंने तुरंत चर्चा की और यह जानकारी अपने पिता पूर्व राजा को देने का फैसला किया, और पूर्व राजा भी यह जानने के बाद उत्तेजित हो गए और उन्होंने तुरंत उस शहर की जाँच करने का आदेश दिया। ये केवल एक अनुमान था, लेकिन अगर उस शहर में वास्तव में कोई पौराणिक जड़ी बूटी थी तो वे इसे आसानी से किसी भी प्राचीन संप्रदाय के साथ शिष्य स्लॉट के लिए बदल सकते हैं, या शायद यह उनके चरम विशेषज्ञ को अगले क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकता है और वे बन सकते हैं एक साम्राज्य। अनगिनत संभावनाएं थीं। गोल्डन हैमर किंगडम गुप्त रूप से इस संदिग्ध शहर की जांच करता है और पर्वत शिखर पर एक अच्छी तरह से छिपी हुई पुरानी छिपी हुई संरचना पाता है। यह इस छुपी हुई संरचना के कारण भी था कि शहरों की भूमि से किसी को भी अपरिपक्व रक्त गुलाब नहीं मिला। राज्य द्वारा जड़ी बूटी के अस्तित्व की पुष्टि करने के बाद उन्होंने तुरंत अफवाहों को बंद कर दिया और शहर को अन्य राज्यों से बचाने के लिए छाया से समर्थन देना शुरू कर दिया। 100 साल के इंतजार के बाद आखिरकार ब्लड रोज खिलने वाला था और डलसे के दूसरे चाचा इसकी कटाई के लिए व्यक्तिगत रूप से आना चाहते थे, लेकिन राजा ने उसे रोक दिया क्योंकि उसे डर था कि दूसरे शीर्ष राज्यों के जासूसों को इसकी भनक लग सकती है।
क्योंकि एक बड़ी घटना आ रही थी और हर कोई एक दूसरे से सावधान था। यदि वे अचानक या लापरवाही से कोई कदम उठाते तो वे तुरंत दूसरों को सचेत कर देते। यदि ब्लड रोज ने खुलासा किया तो साम्राज्य भी इसमें शामिल हो जाएंगे, इसलिए वह इसे जोखिम में नहीं डालना चाहते। अंत में राजा अपनी चतुर बेटी डलसे को व्यक्तिगत रूप से ब्लड रोज की कटाई के लिए भेजता है। वह अपने तीन बेटों में से किसी एक को भेज सकता था, लेकिन वे उसकी बेटी की तरह प्रतिभाशाली नहीं थे। डलसे को अपने पिता की आज्ञा मिली और अंततः समझ में आया कि वे इतने वर्षों तक उस छोटे शहर की रक्षा क्यों कर रहे थे। क्योंकि ब्लड रोज का रहस्य केवल पूर्व राजा, वर्तमान राजा और पूर्व द्वितीय राजकुमार को ही पता था। अब डलसे को भी इसके बारे में पता है। उसने अपने षड्यंत्रकारी दिमाग का इस्तेमाल किया और बिना किसी को सचेत किए ब्लड रोज को सुरक्षित रूप से वापस लाने की पूरी योजना बना ली। न्यू मून सिटी एक देश बनना चाहती है और वह उन्हें रेड माउंटेन सिटी को अधीनस्थ शक्ति के रूप में स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। इससे उनका परीक्षक के भेष में यहाँ आना उचित हो जाएगा। यही कारण है कि रेड माउंटेन सिटी जैसा शहर न्यू मून सिटी का अधीनस्थ शहर था, लेकिन इसमें क्षमता है क्योंकि इन सभी वर्षों में ब्लड रोज की रक्षा के लिए गोल्डन हैमर्ड किंगडम ने शहर के स्वामी के परिवार पर काफी संसाधन खर्च किए हैं और अब वे न्यू मून सिटी के किसी भी अधीनस्थ शहर के बराबर हैं। डलसे ने आखिरी में यहाँ आने का फैसला किया, लेकिन ब्लड रोज के पूरी तरह से खिलने में अभी कुछ दिन बाकी थे और इन दिनों में पूरी ऐसी घटना घटित हुई। एस की खबर मिलने से ठीक एक दिन पहले उसने पूरी तरह से खिले हुए ब्लड रोज की कटाई की और एक सप्ताह के बाद एस के बारे में कोई खबर नहीं मिलने पर वह न्यू मून सिटी वापस जाने की योजना बना रही थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि वह उसे अगले ही दिन ढूंढ लेगी। उसने सोचा कि स्वर्ग उसे उसके प्रयासों के लिए पुरस्कृत कर रहा है। अंत में ये बदले में प्रतिशोध था। जिस चोर को कुछ घंटे पहले पकड़ने में वह इतनी आश्वस्त थी वह अब चला गया था और वह उसकी सारी संपत्ति भी ले लेता है जो उसने हत्या करके एकत्र की थी। अहम कठिनाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्लड रोज उसके स्टोरेज रिंग के अंदर था और अगर उसके पिता को इसके बारे में पता चला तो वह नरक की यात्रा कर रही होगी। बुरी तरह लियुक वह अपने अंगरक्षकों को बुलाते हुए चिल्लाती है। कमरे का दरवाजा खुलता है और बाल्डी और लियुक तेजी से अंदर प्रवेश करते हैं। मैं कब से बेहोश हूँ, डलसे को ठंडे स्वर में मांगे। 2 घंटे, बाल्डी को घबराते हुए उत्तर दे जबकि उसका सिर नीचे झुका हुआ था। डलस ने घूर कर देखा और भी क्रोधित हो गया। वह चोर कहाँ है, तुम उसे पकड़ोगे या नहीं? बाल्डी के गंजे सिर पर पसीने की बूंदें बनने लगती हैं और वह डरते हुए जवाब देता है, नहीं राजकुमारी, हम अभी भी शहर की खोज कर रहे हैं। जब हम उसे खोज रहे हैं तो हमें कुछ मिल रहा है। रिवर फ्लावर शहर का शहर स्वामी गायब है और हम उसका शव भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम मानते हैं कि वह उस भाग गया है। बेकार कचरा, यहाँ हर कोई कचरा है। डलस गुस्से से विकृत चेहरे के साथ बाल्डी पर भड़क उठा। इस दर पर वह सचमुच गुस्से से मर सकती है। पूरी घटना के बारे में सोचकर ही वह गुस्से और चिंता से अपने पैर पटकने लगती है। लालच ने वास्तव में उसके तर्क को अंधा कर दिया है और अब अगर वह अपराधी को नहीं ढूंढ पाती तो वह भारी मुसीबत में पड़ जाती। रेड माउंटेन सिटी के पश्चिम में कुछ मील की दूरी पर शहरों की भूमि का सबसे बड़ा जंगल मून फॉरेस्ट था। चंद्रमा वन को बाहरी, आंतरिक और मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। अधिकांश नश्वर और निम्न स्तर के कल्टीवेटर केवल चंद्रमा के जंगल के बाहरी क्षेत्र के बीच यात्रा करते हैं और कोई भी अधिक गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि आंतरिक क्षेत्र में सबसे कमजोर राक्षसी जानवर एनर्जी गेट्स क्षेत्र का शिखर था और मुख्य क्षेत्र सबसे घातक था। ठीक इसी समय चंद्रमा के जंगल के बाहरी क्षेत्र में पेड़ों के बीच की कच्ची सड़क पर 2 छायाचित्र तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। दिशा से वे चंद्र वन के भीतरी क्षेत्र की ओर जा रहे थे। अपनी वर्तमान गति से आंतरिक क्षेत्र तक पहुंचने में उन्हें अभी भी 1 से 2 महीने लगेंगे। ये 2 छायाचित्र स्पष्ट रूप से एस और मैथिस थे। डलसे के जाल से बच निकलने के बाद शहर से भागना दोनों के लिए बच्चों का खेल था। एस अब शहर में नहीं रहना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि डलसे निश्चित रूप से एक पागल कुतिया की तरह उसे खोजेगा। आखिरकार उसने उसका सारा खजाना चुरा लिया है और उसे इसके बारे में काफी अच्छा महसूस हो रहा था। उसके दिल में जरा भी अपराध बोध नहीं था। मैथीज एस के ठीक बगल में चल रहा था और ये देखकर आश्चर्यचकित था कि वह आसानी से अपने एनर्जी फाउंडेशन दायरे की गति के साथ समान रूप से मेल खा सकता है। उसे इसे स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। उनके माता पिता निश्चित रूप से उनके लिए कुछ अद्भुत तकनीकें और कौशल या यहां तक कि पौराणिक खजाने छोड़ गए थे। उसने सोचा जैसे उसकी आंखों में एक अनोखी रोशनी चमक रही हो। मैथीज किसी से भी बेहतर जानता है कि एस के माता पिता कितने शक्तिशाली थे जब वह उन सभी से वर्षों पहले मिला था। निश्चित रूप से वे अपने बच्चे के लिए स्क्रैप नहीं छोड़ सकते, है ना? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उन्होंने वास्तव में उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा और आज वह जो कुछ भी है वह सब उस रहस्यमय प्रणाली के कारण है। वे 6 घंटे तक भागते रहे और अंततः राहत की सांस ली। वे अंततः शहर और डलसे से बहुत दूर थे। ऐसा भी हॉन्फ रहा था।
क्योंकि उसने लगभग सभी अभिजात वर्ग के गार्डों को मार डाला था और यहां तक कि दिलसे जैसे एनर्जी फाउंडेशन क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ लड़ाई भी की थी, जो अपने 6 एनर्जी गेट्स फाउंडेशन के कारण किसी से भी अधिक मजबूत था। और शहर से भागने के बाद वह दौड़ने के लिए लगातार हाई एनर्जी का उपयोग कर रहा था। अब वह थक गया था। यदि उसने अंधेरे के 4 द्वार नहीं खोले होते तो वह बहुत पहले ही एनर्जी से बाहर हो चुका होता। लेकिन वह अपनी एनर्जी रिकवरी दर से आश्चर्यचकित था कि उसके पेट के अंदर डार्क वार्ड 1 लगातार स्वर्ग की एनर्जी को चूस रहा था और इसे HD एनर्जी में परिवर्तित कर रहा था। एस ने अनुमान लगाया कि ठीक होने की इस गति से वह 1 घंटे में ठीक हो सकता है और इस शक्तिशाली इनाम के लिए सिस्टम को धन्यवाद दिया। एस अपनी सांसें पकड़ते समय गहरी सोच में डूबा हुआ था और ईवा को अपने चोर केस था न से मुक्त करने ही वाला था कि उसे पीछे से एक ठंडी अनुभूति महसूस हुई और उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसने महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं और उसकी आत्मा घंटियों की तरह बजने लगी है। यह एक चेतावनी थी कि वह गंभीर खतरे में है। उसके पास स्थिति को देखने के लिए पीछे मुड़ने का समय नहीं था। एस ने तुरंत प्रतिक्रिया की और जो कुछ भी आ रहा था उससे बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी और एक तेज ठंडा ब्लेड बाएं कंधे के ब्लेड में छेद कर गया। उसकी क्षणिक प्रतिक्रिया उसके दिल को छलनी होने से बचा लेती है, लेकिन फिर भी वह घायल हो जाता है। मजबूत एनर्जी जो ठंडे ब्लेड से आ रही थी घाव के माध्यम से उसके शरीर में पंप कर रही थी। यदि उसकी HD एनर्जी विशिष्टता नहीं होती तो उसका शरीर शक्तिशाली एनर्जी से फट गया होता। ऐसा अपने दिमाग को शांत करता है और घाव से आने वाले तेज दर्द को नजरअंदाज करता है और ब्लेड से बचने के लिए चुपचाप कदम उठाता है। उसका HD एनर्जी अभी भी उसके शरीर के अंदर विदेशी एनर्जी से लड़ रहा था। एस को अगले ही पल आश्चर्य हुआ, डार्क शून्य ने विदेशी एनर्जी को चूसना शुरू कर दिया और एनर्जी HD एनर्जी में बदल गया। ये डार्क शून्य की एक और क्षमता थी जिसे वह नहीं जानता था और आश्चर्य करता था कि क्या इस रहस्यमय शून्य के और भी उपयोग हैं। एस के पास डार्क वॉर्ड के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि जब वह ब्लेड से बचकर घूमता था तो उसे एक अप्रत्याशित आवाज सुनाई देती थी। उसे सुनते ही पता चल गया कि यह आवाज किसकी है। जब एस मुड़ा तो उसने देखा कि मैथिस के हाथ में एक लंबी तलवार थी और उसकी ब्लेड से उसका खून जमीन पर टपक रहा था। उसने देखा कि मैथिस उसे आश्चर्य और भय से देख रहा था। हाँ, आप एनर्जी फाउंडेशन क्षेत्र मैनिफेस्टेशन एनर्जी के प्रकोप से कैसे बच गए? नहीं, एनर्जी गेट्स कल्टीवेटर का कोई भी निकाय इसका विरोध नहीं कर सकता, मैथिस ने कहा कि शटरिंग करते समय उसने एस को डरावनी दृष्टि से देखा जैसे वह कोई भूत देख रहा हो। एस का दिल उस पल ठंडा हो गया जब उसने देखा कि मैथिस के पास हथियार था और जब उसने मैथिस के शब्द सुने, अंततः उसे समझ में आ जाता है कि HD एनर्जी और डार्क वॉर्ड के कारण वह निश्चित मृत्यु से बच गया है। यदि उनमें से एक भी गायब होता तो वह इस समय एक ठंडी लाश होता। दरअसल भले ही उसके पास उनमें से कुछ भी न हो, फिर भी वह स्वर्गीय एनर्जी के साथ एनर्जी को निष्कासित करने में सक्षम होगा। बात सिर्फ इतनी थी कि उसका एनर्जी फाउंडेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ से सामना और लड़ाई नहीं हुई थी, इसलिए उसका ज्ञान कम था। तुमने मुझ पर छिपकर हमला क्यों किया? मुझे लगा कि तुम मेरे साथ हो, एस ने बेरुखी से पूछा। उसके अंदर गुस्सा उमड़ रहा था। वह जानना चाहता था कि इस बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों किया। उसने यह नहीं सोचा था कि मैथिस ने उसके प्रति गलत इरादे रखे होंगे, इसलिए वह सतर्क हो गया था और थकावट के कारण उसने उस समय अपनी पूरी आत्मा की भावना का उपयोग नहीं किया था। लेकिन जैसे ही मैथिस ने उद्घाटन देखा, उसने निश्चित मारक चाल से हमला कर दिया। मैथिस को पता है कि उसका कवर उड़ गया था और उसने घातक प्रहार करने का एकमात्र मौका खो दिया। उसने अपने बेतहाशा धड़कते दिल को शांत किया और गहरी सांस लेते हुए कहा, जब मैंने पहली बार आपका चित्र देखा तो मैं काफी चौंक गया था और आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि आप इतने वर्षों से अभी भी शहर में थे। उस समय मैं वास्तव में उसे ढूंढना चाहता था। आप और आपके माता पिता के बारे में बताएं, मैं अपनी जान बचाने की कृपा का बदला चुकाना चाहता हूँ। हालांकि मैं तुम्हें पिछली बार की तरह नहीं ढूंढ सका और सोचता हूँ कि इस बार तुमने सचमुच अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ दिया है। मैं अपनी अक्षमता के लिए खुद को दोषी मानता हूँ। लेकिन 2 दिनों के बाद वह लोमड़ी आती है और नरसंहार शुरू कर देती है। उसने मुझे पूरी तरह से मार डाला। परिवार, मेरी पत्नी, बच्चे, पोते पोतियां। अपने परिवार का जिक्र करते ही मैथिस की आंखों से हत्या का इरादा झलकने लगता है। मैं अपने परिवार का बदला लेने के लिए उस वेश्या के पूरे परिवार को मारना चाहता था, लेकिन मेरे जैसा मोहरा क्या कर सकता है। हम सभी शहरों की भूमि में सबसे निचले स्तर की भूमि में रहते थे और सभी ऊपरी स्तर की भूमि हमें केवल गुलाम मानती थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमें शक्तिशाली बनने के लिए उचित संसाधन भी नहीं रखने दिए गए। जैसे ही हम यहाँ पैदा हुए, हमारा भाग्य उनके हाथों में था। जब तक मैंने आपको वे सभी चमत्कारी चीजें करते नहीं देखा, तब तक मैं सारी आशा खो देता हूँ और एक खाली भूसी बन जाता हूँ। मैंने अपने परिवार का बदला लेने की आशा देखी। आपने एक भंडारण अंगूठी भी खोली और एक कीर्तिदंती को तोड़ दिया। फिर मेरे दिमाग में आता है कि ऐसा इसलिए हुआ था
तुम्हारे कारण मेरा सारा परिवार मर गया और तुम्हारे कारण मेरा नगर खंडहर हो गया। उसने ऐस पर जहरीली सीढ़ियां चढ़ाईं। तो मैंने तुम्हें मारने और तुम्हारा रहस्य अपने लिए लेने का फैसला किया, लेकिन तुम बहुत अजीब थे और मैं सफलता के बारे में अनिश्चित था। मैंने सही पल का इंतजार किया और आखिरकार एक क्षण पहले जब तुम थक गए तो एक रास्ता खोज ही लिया, लेकिन कौन कर सकता था। मैंने सोचा कि मेरा गुप्त हमला भी तुम्हें मारने में सक्षम नहीं था, मैथीज ने अपनी आवाज में निराशा के साथ कहा। मैथीज को अपने कौशल पर पूरा भरोसा था, लेकिन एस ने इसका मुकाबला किया और अब उसे उससे सीधे लड़ना होगा। लेकिन वह एक बूढ़े लोमड़ी की तरह हतोत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि एस अभी भी अपने एनर्जी से लड़ रहा था, जिसे उसने अपने हमले से छोड़ दिया था, और वह कमजोर स्थिति में था और उनके बड़े और नफरत भरे भाषण के बाद उन पर हमला करने से जरूर हिचकिचाएंगे। मैथीज का कारण सुनने के बाद एस ने आह भरी। उसने सोचा कि अगर वह मैथीज की स्थिति में होता तो वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति से नफरत करता जो उसके दुख के लिए जिम्मेदार था, लेकिन एस को मैथीज की आत्मा से बिल्कुल भी दुख महसूस नहीं हुआ। जो उसने महसूस किया वह था लालच, ईर्ष्या, इच्छा, इस प्रकार की भावनाएं जो उसने डल्स, ग्रेस, एशर से महसूस की। वह दूसरों की तरह ही मेरा राज चाहता है, लेकिन उसकी अभिनय क्षमता शीर्ष स्तर की है। यदि मुझमें आत्मज्ञान न होता तो मैं भी उस पर विश्वास कर लेता, एस ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अगर मैथीज जो कह रहा है वह सच होता तो वह उसे जाने देता, लेकिन उसे शुरू से ही उसके बारे में संदेह था। जब उसने उसे अपने माता पिता के बारे में अधूरी जानकारी दी थी और जब उसे अपनी सच्ची भावना का एहसास हुआ और उसके विपरीत शब्द सुने, तो उसने निष्कर्ष निकाला, यह आदमी पूरी तरह से एक बूढ़ा लोमड़ी है और उस लोमड़ी से कहीं अधिक खतरनाक है। एस ने गहरी आह भरते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे मैं सचमुच बोला था। उसके हाथों में दो काली तलवारें उभर आती हैं और उसकी एनर्जी तलवारों में समा जाती है। धुंध की तरह गहरे काले ब्लेडों से गहरे एनर्जी का रिसाव शुरू हो जाता है। जब मैथीज ने एस को अपने हथियार निकालते देखा तो वह बुरी तरह मुस्कुराने लगा और किसी कारण से उसे अपने दिल की गहराइयों से उन दो तलवारों से अत्यधिक भय महसूस हुआ। उसने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा मैं सोचता हूँ कि वह करेगा, मैथीज के बारे में सोचें, क्योंकि वह अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ता है। सच्चाई तो ये थी कि जब दिलसे ने उसे शहर के विनाश के बारे में बताया तो उसने एस को निराशा में डूबते हुए देखा और खुद को दोषी ठहराया। उस समय एस असुरक्षित था और अगर दिलसे उस मौके का फायदा उठाकर हमला करता तो वह उसे पकड़ने में सफल हो जाती, लेकिन उसने अपने अन्य पीड़ितों की तरह उसके साथ खिलवाड़ करने का फैसला किया और अंत में उसे अपने घमंड की कीमत चुकानी पड़ी। मैथीज उस समय अपने मन में उसकी मूर्खता का मजाक उड़ाता है। यही कारण है कि मैथीज ने सबसे पहले एक दुखद भाषण देने में अपना समय लिया। वह उस पर मानसिक रूप से हमला करना चाहता था ताकि एस उस पर हमला करने से झिझके और यही उसे नीचे गिराने का मौका होगा। वह दिलसे और उससे अन्य सभी स्तर के षड्यंत्रकारियों की तरह नहीं था। उन्हें अपने अभिनय कौशल और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता पर भरोसा था, लेकिन इस बार उनका कौशल विफल होता दिख रहा है। वह उस क्षण से उस पर नजर रख रहा था। जब उसने उस पर अपनी नजरें रखी और उसके विश्लेषण के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि ऐसा अनुभवहीन और बोला था, और वह किसी के बारे में अपने विश्लेषण में पहले कभी गलत नहीं रहे हैं। लेकिन दिल से घटना के बाद एस ने किसी तरह हताश परिस्थितियों का सामना करने में शांत रहने की क्षमता हासिल कर ली है। वह बिल्कुल अलग व्यक्ति था, पहले जैसा नहीं था। जब वह आसानी से अपना धैर्य खो देता था, उसे कम ही पता था कि एस के पास आत्मिक ज्ञान है और वह अपने भीतर की भावनाओं को महसूस कर सकता है। मैथीज सतह पर अपनी भावनाओं को छिपा सकता है, लेकिन वह अपनी आत्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह आत्मा की कल्टीवेशन करने वाला नहीं था। अब एस शांत था, क्योंकि वह पहले ही एक बार निराशा के नियम को छू चुका था और उसकी मानसिकता में भारी बदलाव आया था। और मैथीज एक खुली किताब की तरह थे जब एस ने पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित किया। मैथीज अभी भी अपनी जीत की संभावना को और अधिक बढ़ाने के लिए कुछ और प्रयास करना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि एस गायब हो गया है। वहां अभी भी अंधेरा था और बादलों के कारण उतना अंधेरा था जितना हो सकता था। एनर्जी फाउंडेशन दायरे में पहुंचने पर कल्टीवेशन अंधेरे में अस्पष्ट रूप से देख सकती है और उनकी समझ किसी भी नश्वर की तुलना में बहुत तेज हो जाती है। वे लगातार 10 घंटे तक पानी के भीतर अपनी सांस रोक सकते हैं। यही कारण है कि मैथी स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, लेकिन वह इसके बारे में विवरणों से चूक जाता है। वह भी स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और अंधेरे में उससे कहीं बेहतर है। एस को कभी भी कल्टीवेशन के बारे में उचित शिक्षा नहीं मिली और उसे ये भी नहीं पता था कि कल्टीवेशन करने के बाद एक इंसान विशेष रूप से क्या कर सकता है। वह केवल अपने दादा दादी की शिक्षा के कारण पढ़ना लिखना जानता है। मैथीज घबरा गया और उसने आत्मसमर्पण में हाथ उठाते हुए कहा, हमें लड़ने की जरूरत नहीं थी, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। वह ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ना नहीं चाहता था जिसे वह देख या समझ भी न सके, और ऐसा उस पर छींटाकशी कर सकता है और उसे इसका पता भी नहीं चलेगा।
इसलिए उन्होंने इंतजार करने और एक और अवसर खोजने का फैसला किया। एस अपनी गुप्त मुद्रा में था और उसने मैथीस की बातें सुनी, लेकिन वह नहीं रुका। खाली शब्द, वह तिरस्कार करता है। उसके पीठ पीछे छुरा घोंपने और षड्यंत्रकारी स्वभाव को देखने के बाद वह अब अपनी बूढ़ी लोमड़ी के सामने खुद को उजागर नहीं करना चाहता था। वहीवा को अब तक चोर के था न के अंदर रखने के अपने फैसले के लिए धन्यवाद दे रहा था, और उसने अब उस बूढ़ी लोमड़ी को अपने रहस्य नहीं दिखाए, अन्यथा मैथीज अधिक सतर्क हो जाते और विषैले सांपों की तरह छिप जाते। जब भी उसे मौका मिलता, वह उस क्षण पर प्रहार करता जब वह किसी कठिन परिस्थिति में होता और उसकी मूर्खता और भोलेपन के कारण ईवा भी खतरे में पड़ जाती। लेकिन एस को नहीं पता था कि ईवा की वजह से मैथीज ने अपना असली रंग दिखाया है। उसने उसे उस लड़की को अपने साथ ले जाते हुए नहीं देखा और उसके मन में एस ने उसे छोड़ दिया है। इसके अलावा उसे जहर दिया गया था और एस ने उसे मारक दवा नहीं दी थी, इसलिए उसने सोचा कि एस उसे भी मारना चाहता था। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था, बात सिर्फ इतनी थी कि एस जहर के बारे में भूल गया था। यदि मैथीज ने उससे पूछा होता तो एस उसे उसी क्षण दे देता। बात सिर्फ इतनी है कि उसके इरादे शुरू से ही नेक नहीं थे और उस जहर ने ही उन इच्छाओं को तीव्र बना दिया था। लेकिन अब एस ने इतनी जल्दी अपना असली रंग दिखाने के लिए मैथीज की बहुत सराहना की और उसे कभी भी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करने का सबक दिया। इसके अलावा जब तक वह जीवित हैं, रिवरफ्लावर सिटी जैसी घटना दोबारा नहीं होने देंगे। एस शांत कदमों से आगे बढ़ रहा था जब उसने देखा कि मैथीज ने अपना हाथ उठाया है लेकिन अपनी तलवार को जाने नहीं दिया। उसकी आंखें तेज हो गईं क्योंकि उसने लंबी तलवारें लहराई और हाथ पकड़े हुए मैथीज की तलवार की ओर बढ़ गया। मैथीज को अपनी पीठ से एक ठंडी और तेज अनुभूति महसूस हुई और उसने तेजी से अपनी तलवार को पीछे की ओर लहराया। छी, कच्चा। मैथीज ने हमले को एस की तलवार से जोड़ने में कामयाबी हासिल की, लेकिन जैसे ही उस काले ब्लेड ने उसकी तलवार को छुआ, तलवार मक्खन की तरह आधी कट गई और उसकी छाती पर गिरी। एक गहरा घाव दिखाई दिया और उसमें से खून निकलने लगा। मैथीज को यह भी नहीं पता था कि क्या हुआ और क्यों उसकी तीन सितारा तलवार आधी कट जाएगी जैसे कि वह कागज से बनी हो। एस को पकड़ने के लिए डुलस ने उसे यह तलवार दी थी और वह जानता है कि यह वास्तव में एक तीन सितारा हथियार था, लेकिन अब इसे आसानी से आधा कर दिया गया और उसे संदेह होने लगा कि डल्स ने उसे खेला है। एस यही नहीं रुका क्योंकि कट इतना गहरा नहीं था कि मैथीज की जान ले सके, और उसने फिर से चुपचाप जाने का फैसला किया। इन एस में इतने सारे संभ्रांत गार्डों को चुपचाप मारने के बाद आखिरकार उसे अपनी लड़ने की शैली मिल गई है। उनका कौशल अंधेरे में और चुपचाप लड़ने के लिए बनाया गया था, न कि सामने से हमला करने के लिए। जब तक प्रतिद्वंद्वी उससे बहुत बड़े अंतर से मजबूत नहीं होता, तब तक वह उन्हें आसानी से छिपकर मार सकता था। मैथीज को एस की उसके कौशल और तकनीक की नई समझ का एहसास है। एनर्जी द्वारा काटे जाने के बाद वह भयभीत महसूस कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि एस क्यू बिल्कुल भी सामान्य नहीं था, यह ठंडा था, लेकिन साथ ही यह उसे खालीपन का एहसास कराता था, जैसे कि वह एक अंधेरी जगह में अकेला था जहां रोशनी का कोई कण नहीं था। मैथीज ने किसी तरह एस की एनर्जी को दबा दिया जो उसे सुन्न कर रही थी। आखिरकार वह एनर्जी फाउंडेशन विशेषज्ञ था, लेकिन जैसे ही वह खुद को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए कुछ कहने ही वाला था, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई क्योंकि एक काला ब्लेड गंभीर काटने वाली हंसिया की तरह उसकी गर्दन की ओर आ रहा था। एस इस लड़ाई को खींचना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी एचडी एनर्जी सीमित थी और वह अभी भी थका हुआ था, इसलिए उसने मैथीज को समाप्त करने का फैसला किया। उनके विचार में एनर्जी फाउंडेशन क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए मैथीज बेहद कमजोर था, या वह एनर्जी गेट्स क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए बहुत शक्तिशाली था। रुको, मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पता है, मैथीज भयभीत होकर चिल्लाता है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए यह उसका अंतिम तुरुप का इक्का था। अब अंततः उसे समझ आ गया कि वह इस छोटे चोर को कितना का मांगता है। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे लगा कि कोई ठंडी नुकीली चीज उसके गले को छू रही है। यह एक काला ब्लेड था जो अपनी तेज धार से काली आभा छोड़ रहा था। यदि उसे बोलने में एक क्षण भी देर हो जाती तो उसका सिर अभी उड़ जाता। वह पसीने से भीग गया था और घबरा कर निगलने लगा। वह लगभग मर गया। अब उन्हें समझ में आ गया है कि शक्ति किसी भी योजना को मात दे सकती है का क्या मतलब है। एस मैथीज की ओर ठंडी आंखों से देख रहा था जबकि उसकी तलवार अभी भी मैथीज के गले पर थी। मुझे सब कुछ बताओ, अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो तुम मर जाओगे, उसने ठंडे स्वर में कहा। वह अपने माता पिता के बारे में भी पूरी सच्चाई जानना चाहता था और उसने मैथीज की बात सुनने का फैसला किया। यदि मैथीज उसे सब कुछ सच सच बता देता तो उसे बख्शने में कोई आपत्ति नहीं होती। आखिरकार वह कोई निर्मम हत्या नहीं थी। यदि मैथीज का दुष्चरित्र न होता तो एस कभी भी मैथीज को मारने के लिए सामने नहीं आता। मैं सच बोलूंगा, बस मुझे मत मारो, मैथीज ने अपनी आवाज में भय के साथ कहा। वह बता सकता था कि एस बहुत गंभीर था। एस ने केवल मैथीज को गहराई से देखा और कुछ भी नहीं कहा, जैसे वह उससे कह रहा था।
तुम बेहतर हो। उसने अपनी तलवार भी गले से नहीं उतारी। ये देखने के बाद कि एस उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, मैथिस केवल असहाय होकर आहें भर सका और आखिरकार उसने उसे वह सब कुछ बताने का फैसला किया जो उसके पूरे जीवन के बाद था, जो अभी एक धागे पर लटका हुआ था। जो बातें मैंने तुम्हें पहले बताई थी वे सच थी, लेकिन मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि जब तुम्हारे पिता ने गायब होने से पहले मुझे भेजने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया था, तो मैंने उस समय तुम्हारी माँ को चिल्लाते हुए सुना था। वह स्पष्ट रूप से अपने दुश्मनों का जिक्र कर रही थी, मैथीज ने धीरे से कहा। वह अभी भी एस की ओर देख रहा था ताकि उसकी प्रतिक्रिया देख सके, लेकिन उसे निराशा हुई। एस उसकी बात सुनने के बाद भी नहीं हिला। मैथीज को केवल यह महसूस हुआ कि ब्लेड उसके गले में दबने लगा था और उस काली आभा के कारण उसकी त्वचा जेली की तरह कटने लगी और खून बहने लगा। उसने अब पहेली खेलने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कहा, मैंने उसे व्हाइट क्राउन चिल्लाते हुए सुना इससे पहले कि मुझे उस जगह से बहुत दूर भेज दिया गया। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उनकी ताकत देखकर चकित हो गया था और खुद भी उस तरह की शक्ति हासिल करना चाहता था। मैं अपने परिवार की रक्षा करने के लिए एक मजबूत व्यक्ति बनना चाहता हूं। यही कारण है कि मैं आपका रहस्य चाहता था, लेकिन मैं गलत था। लालच वास्तव में मुझे अंधा कर देता है। मैं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके गले से बिजली की गति से कुछ गुजरा और उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। उसके दृश्य अंधेरा होने से पहले उसने जो आखिरी चीज देखी वह इसका शांत चेहरा था। मैथीस का सिर मिट्टी में लोट रहा था और उसकी आंखें अविश्वास, भय, आश्चर्य और घृणा से खुली हुई थीं।